हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ज़ेब्रोनिक्स कंपनी की तरफ से आने वाले 4.1 ब्लूटूथ स्पीकर्स की, जिसको मैंने amazon.in से ऑर्डर किया था। दोस्तों तो आप देख सकते हैं पे मॉडल नंबर कौन सा है और बॉक्स के ऊपर कुछ डिटेल्स मेंशन की गई जो कि स्पेसिफिकेशन है इस प्रोडक्ट की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन किया हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो फटाफट से बॉक्स को खोल लेते हैं दोस्तों और देखते हैं क्या क्या कंटेंट्स देखने को मिलता है बॉक्स के अंदर हमें, और कैसी क्वालिटी के स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। बिकॉज दोस्तों इसमें जो स्पीकर्स हैं इनकी प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 2300 रुपीज़ के आसपास में मुझे मिले हैं ये। अगर आप amazon.in पे सर्च करते हैं इसका मॉडल नंबर को आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों आपको कुछ इस तरह के स्पीकर्स देखने को मिलते हैं जैसे ही आप बॉक्स को ओपन करते हैं। और जैसे ही आप बॉक्स को ओपन करेंगे सबसे पहले आपको यूज़र मैनुअल और उसके साथ में ऑक्स केबल देखने को मिलेगा और कुछ स्पीकर्स हैं यहाँ पे जो आउटपुट के लिए 4 स्पीकर्स मिलते हैं 4.1 वाले स्पीकर सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे दोस्तों। और मैं इसको खोल कर दिखा देता हूँ आपको कि किस तरह का स्पीकर देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं स्पीकर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ में आते हैं, तो आप देख सकते हैं। तो फटाफट से इसको ओपन करते हैं दोस्तों और देखते हैं और भी क्या बॉक्स कंटेंट्स देखने को मिलते हैं इसके बॉक्स में। अगर इन स्पीकर्स की फीचर्स के बारे में बात करें तो दोस्तों आपको इसमें SD कार्ड का सपोर्ट मिल जाता है, साथ में आप ऑक्स केबल भी लगा के सॉन्ग्स प्ले कर सकते हैं और उसके साथ में ब्लूटूथ का भी सपोर्ट मिल जाता है दोस्तों। तो आपको वायरलेसली सॉन्ग्स प्ले करने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है और साथ में आपको यहाँ पे 4.1 का आउटपुट देखने को मिलता है इस प्राइस रेंज में। बिकॉज काफ़ी कम ऐसे स्पीकर्स आते हैं, काफ़ी कम होम थिएटर्स आते हैं जिसमें 4.1 का आउटपुट देखने को मिलता है इस प्राइस रेंज में, तो ये काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे। अब देखना ये बाकी है दोस्तों किसका आउटपुट एक्चुअल में कितना अच्छा है, बेस कितनी अच्छी है, तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों जैसे मैंने इसको बॉक्स को ऊपर से हटाया उसके बाद में यहाँ पर नीचे में हमें कि बेस जो स्पीकर होता है इसका जो बेस के लिए यूज़ होता है वो स्पीकर आपको देखने को मिलता है जो कि इसका प्राइमरी स्पीकर है। तो आप देख सकते हैं उसके साथ में आपको उसके नीचे रिमोट कंट्रोल भी देखने को मिलता है जिससे आप अपने होम थिएटर को मतलब ब्लूटूथ स्पीकर्स को कंट्रोल कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की फिनिशिंग मिलती है आपको होम थिएटर में भी मतलब आपके स्पीकर्स में। तो कुछ एक पावर एक वॉल्यूम अप डाउन के लिए कम ज़्यादा करने के लिए आपको की मिलती है यहाँ पे जिसको घुमाना पड़ता है। अगर आप राइट साइड में घुमाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ती है और लेफ्ट साइड में घुमाएंगे तो वॉल्यूम कम होती है। और भी कुछ बटन्स यहाँ पे मेंशन किए गए दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, और पीछे की साइड में आपको यहाँ पे कुछ आउटपुट्स दिए गए जहाँ पे स्पीकर्स के लिए होते हैं। तो यहाँ पे आपको स्पीकर्स लगाने होंगे लेफ्ट राइट ऐसा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जिस भी स्पीकर्स को आपको जिस सिचुएशन के हिसाब से सेट करना है उस हिसाब से आपको स्पिन में लगाना होगा। और नीचे में आप देख सकते हैं उसके अलावा भी कुछ 2-3 पोर्ट्स दिए हुए हैं और एक पावर ऑन ऑफ की बटन है। और आगे में कुछ यहाँ पे बटन मेंशन किए हुए दोस्तों स्पीकर्स में, और स्पीकर्स के ऊपर कोई भी बटन मेंशन नहीं की, जो बेस मेन स्पीकर इसका उस पर कुछ बटन मेंशन की गई दोस्तों। तो आपको मैं यहाँ पे एक बार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ उसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। बिकॉज दोस्तों आपको उतने अच्छे से तो यहाँ पर साउंड का पता नहीं चलेगा, लेकिन जितने भी हो सकेगा एक माइक के हिसाब से आप थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी होगी। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ दोस्तों। एक ब्लूटूथ पर मैंने कनेक्ट किया अपने फ़ोन को, इसमें एक म्यूज़िक चला देता हूँ मैं NCS का, तो आप देख सकते हैं। तो यही था दोस्तों एक अनबॉक्सिंग वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।